That ki swarg aur nark could not be
ज्योग्राफी मतलब भूगोल कि स्वर्ग और क्या होगा। यह समय था जब मैंने ये महसूस किया कि स्वर्ग और नरक जो है वो भूगोल में नहीं पाए जा सकते, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, और इसीलिए वह ये दिन नहीं हो सकता, वह ये दिन नहीं हो सकता जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरा बचपन कब चला गया। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be what that the day? What was that the day? मेरा बचपन कहाँ चला गया? ये वह क्या? यह वह दिन था जब मैं 11 का पूरा हो गया और मैंने 12वें वर्ष में कदम रखा। और क्या यह वह समय था जब ये मैंने महसूस किया कि ज्योग्राफी में, भूगोल में स्वर्ग और नर्क कहीं पाए नहीं जाते, और इसीलिए would not be was that the day, और यह नहीं हो सकता, यह वह दिन नहीं, क्या यह वो दिन नहीं हो सकता, यानी कि यह वो दिन नहीं हो सकता कि मेरा बचपन उस दिन चला गया। सेकंड स्टैंजा, When did my childhood go? फिर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, When did my childhood go? कि मेरा बचपन कहाँ चला गया? मेरा बचपन कहाँ चला गया? Was it the time? क्या यह समय था? I realized, मैंने महसूस किया, that adults were not, adults वो बचपन से बाहर आकर उन्हें ये रियलाइज हो गया, उन्हें ये
लिए जाते हैं, लेकिन उनके एक्ट ऐसे नहीं होते जो प्यार से यानी कि जो प्रेम से सने हुए हो या प्रेम से भरे हुए हो। तो मतलब पॉइंट ने ये जब रियलाइज शुरू कर दिया, ऐसा रियलाइज करना शुरू कर दिया, ऐसा फील करना शुरू कर दिया, ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया, तो उसे ये लगा कि मैं समझने लगा हूँ और तो शायद मेरा बचपन जा चुका है। माई चाइल्डहुड हैज गॉन, मेरा बचपन जा चुका है। थर्ड स्टैंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, फिर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, और इट सेज, कभी कहते हैं कि आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया कि माई माइंड, कि मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, अब यहाँ माइंड से केवल अपन माइंड से मतलब मस्तिष्क नहीं लगाएंगे, मतलब मेरा मन और मेरा मस्तिष्क वाज रियली माइन, कि मेरा मन और मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा था। और जब पॉइंट ने ये रियलाइज किया, पॉइंट ने ये रियलाइज किया, तब पॉइंट को पता चल गया कि ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि वह अपने बचपन को खो चुका है, कि वह अपने बचपन को क्या कर चुके हैं, खो चुके हैं। यानी कि वो कहते हैं कि वैन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो मतलब वो केवल क्या कर रहे हैं, एक रियलाइज है, एक फीलिंग है, और एक हम लोग कहें एक इमेजिनेशन है, एक कल्पना है, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के पोएम को कंपोज नहीं किया जा सकता। तो कवि कल्पना ये करते हैं कि जब मैंने ये रियलाइज किया, व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैंने ये महसूस किया, मैंने ये महसूस किया कि माय माइंड वाज रियली माइन, कि मेरा मन और मेरा मस्तिष्क वास्तव में मेरा है, मेरा मन और मेरा मस्तिष्क जो है वो वास्तव में मेरा है। चाइल्डहुड में जिस तरह से बच्चे को कहा जाता है, बच्चे का मन, बच्चे का मस्तिष्क बच्चे का नहीं होता, जिस तरह से बच्चे को कहा जाता है, वेस दिखाए जाते हैं, बच्चा वैसा करता है, लेकिन एक टीनेजर, एक एडल्ट जो है वो अपने मन, मस्तिष्क, अपनी इम्पोर्टेंस, अपनी ह्यूमिलेशन, अपने स्टेटस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को पहचानने लगता है, और वह ये रियलाइज करता है कि हिज माइंड वाज रियली, हिज माइंड वाज रियली हिम, हिज, उसका खुद का है, कि उसके खुद के, उसका खुद का मस्तिष्क है, क्योंकि वह अपने आइडियोलॉजी को, वह अपनी विचारधारा को इम्पोर्टेंस देता है। तो लेखक भी अपना चाइल्डहुड जो है वो जा चुका है, उसको कब रियलाइज करता है, जब उसे ये रियलाइज होता है कि हिज माइंड वाज रियली हिज, कि उसका मस्तिष्क जो है वास्तव में उसका है। टू यूज विच एवर वे आई चूज, टू यूज उपयोग करने के लिए जो भी हो, विच एवर वे, कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका, आई चूज मतलब कि कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका, जो भी वो चुनना चाहे उसको चूज करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, प्रोड्यूसिंग मतलब उत्पन्न करते हुए, पैदा करते हुए, थॉट्स मतलब विचार, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, यानी कि वह यह टू यूज विच एवर वे आई चूज, मतलब कि उपयोग करना उस तरीके का जो मैं चुनता हूँ, यानी कि मैं चुनता हूँ, यानी जैसा मेरा मस्तिष्क कहता है उसी रास्ते को मैं चुनता हूँ, उपयोग करता हूँ। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, विचार उत्पन्न करने के लिए, जो कि वर नॉट ऑफ अदर पीपल, जो दूसरे लोगों के नहीं थे, क्योंकि जब चाइल्डहुड एंड हो जाता है और एक टीन एज शुरू हो जाती है, तो वह बालक और बच्चा जो है वो क्या करता है, वो आपने मैंने अभी बताया अपने ही विचारों, अपने ही आइडियाज को, अपने ही थॉट्स को प्रोड्यूस करता है, और उन्हीं रास्तों को वो चूज करता है जो वो खुद चाहता है और दूसरे लोगों का नहीं। तो लेखक ने जब ये, सॉरी, पॉइंट ने जब ये महसूस किया कि वह थॉट प्रोड्यूस करने लगा है और उसे पता चल गया कि हिज माइंड वाज रियली हिज, उसका, उसके उसके मस्तिष्क जो है वो वास्तव में उसका है, तो उसने रियलाइज कर लिया कि हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, कि उसका बचपन जा चुका है। बट माई ऑन एंड माइन अलोन, परंतु मेरा खुद का, मेरे अकेले का, वाज दैट द डे, क्या जब मैंने अपना रास्ता चुन लिया और मैं अपने विचार उत्पन्न कर पाया
हुए मैंने ये जान लिया कि ये दूसरे लोगों के विचार नहीं है, ये मेरे ही माइंड के विचार है। बट माय और परंतु मेरे खुद के एंड माय अलोन, मेरे खुद के अकेले के वाज बेटर डे, क्या यह वह दिन था? मतलब फर्स्ट स्टेज में वो कहते हैं कि जब मुझे हेल और हेवन में डिफरेंटेशन पता चल गया और मुझे ये पता चल गया कि ये ज्योग्राफी में नहीं मिलते, क्या ये वो दिन था जब मैंने रियलाइज किया कि मेरा बचपन चला गया। फिर दूसरे स्टेज में कहते हैं कि जब मैंने ये रियलाइज किया कि एडल्ट जैसे होते हैं दे सीम टू बी जैसे वो प्रतीत होते हैं, दे आर नॉट वैसे नहीं होते हैं, बिकॉज दे टॉक अबाउट लव, बिकॉज दे टॉक प्रीच्ड अबाउट लव, बट देयर एक्ट शो एक्ट आर नॉट शो लविंगली, उनके एक्ट जो है वो प्यारे से नहीं दिखते हैं। तब क्या मैंने महसूस किया? फिर थर्ड स्टेंजा में वो बताते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, जब मैंने ये रियलाइज किया कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ वो मैंने खुद ने मैं खुद ने वो चूज कर चुका हूँ, प्रोड्यूसिंग थॉट विचारों को उत्पन्न करते हुए कि जो विचार है आइडियाज आर नॉट सेम टू द अदर पीपल, कि उसके विचार दूसरे लोगों से अलग है, दूसरे लोगों के समान नहीं है, क्या ये वही दिन था? एंड इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोयम द पोएट टेल्स अस कि इस लास्ट स्टेंजा में पोएट क्या कहता है, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। तीन स्टेंजा में पूछा है वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। एंड द लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम द पोएट आस्क वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, मतलब इट वेंट ये चला गया कुछ ऐसे स्थानों पर जो फॉरगॉटन है, फॉरगॉटन मतलब भूले बिसरे स्थान पर चला गया। बचपन कहाँ चला गया? इट वेंट टू फॉरगॉटन प्लेस, यानी कि ये भूले बिसरे स्थान पर चला गया। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस, कितनी अच्छी लाइन कही है पॉइंट ने कि दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है मासूम या फिर कह सकते हैं इन्फेंट मतलब शिशु, कि ये किसी शिशु के चेहरे में छिप गया, उसका बचपन कहाँ चला गया, हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, यानी कि एक शिशु के चेहरे में वो छिप गया, उसका बचपन छिप गया। दैट इज ऑल आई नो, ये सब मैं जानता हूँ, कभी कहता है कि ये सब मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। तो दिस पोयम इज वेरी इजी 11th क्लास, ये पोयम जो है बहुत ही इजी है और आप लोग इसको वापस पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों को मिल जाएंगे। और जितना भी आपको करना है, जो भी आपको अवेलेबल हुआ है, प्लीज़ उसको कंटिन्यूटी से यानी